मैं कह रहा हूँ एक बार नहीं निकलेगा, दो नहीं निकलेगा, तीन नहीं निकलेगा, चार नहीं निकलेगा, लेकिन पांचवी बार मेरा एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा? कॉम्पिटिशन टफ है, होने दो। क्या सिर्फ मेरे लिए कॉम्पिटिशन टफ है क्या? नहीं, कैटेगरी वगैरह कुछ मैटर नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ हमारी मेहनत ही मैटर करती है और कुछ भी नहीं। ये सब चीजें तो दिमाग में हमारे लाने ही नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना बस है और कुछ भी नहीं, बाकी सब हमारे मेहनत के ऊपर है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, चाहे कोई भी, चाहे 1 करोड़ लोग है या फिर 1 लाख लोग है या 1,000 हो। मैंने 4 बार पेपर दिया, मेरा एग्जाम अभी तक नहीं निकला, तो पांचवी बार ये मत सोचना कि ये भी नहीं निकलेगा, अब मैं छोड़ देता हूँ। क्यों छोड़ दूँ? ये 4 साल, ये जो 4 बार मैंने एग्जाम दिए हैं, मैंने 1.5 साल दिया, ऐसी बर्बाद कर दी मैंने। वैसी उम्र आजकल कम हो रही है सभी लोगों की, है ना? तो भैया मैंने इतने जो पेपर दिए, मैं ऐसे छोड़ दूँ क्या इसको? मैं इसको ऐसे छोड़ दूँ क्या? नहीं, मैं पांचवी बार भी एग्जाम दूंगा। 4 बार नहीं निकला, ठीक है नहीं निकला, लेकिन 5वीं बार निकलेगा। और मैंने इन 4 एग्जाम में कहां कहां गलती करी है, उस चीज को मैं पकड़ूंगा। कहां गलती हुई थी कोई एक मुझे बता दो, अभी तक किसने कितने एग्जाम दे चुके हैं और वो हमारा क्यों नहीं निकला? अच्छा, ये कोई ऐसा भी मत सोचना कि सर मैं SSC के पेपर दे दिया नहीं निकला, सर रेलवे का पेपर दे दिया नहीं निकला। सिलेबस इसका भी सही है ना, इसका भी सही है, लगे तो इसमें जो है एप्लीकेंट्स वो काम है इसमें ज्यादा। तो ऐसा कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि सर मैं सिर्फ SSC की तैयारी करूंगा, सर मैं सिर्फ व्याकरण की तैयारी करूंगा। हाँ, अगर आपने पहले से अगर एम बना के रखा है कि सर मुझे UPSC क्लियर करना है, तो फिर वो एक अलग मैटर है। जैसे कि मेरा फिक्स है कि मुझे UPSC करना है, लेकिन मैं पढ़ाता कहाँ पर हूँ? लेकिन मैं पढ़ाता रेलवे कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि हमारे उसमें 11.5 लाख स्टूडेंट्स हैं। अब उसके लिए एजुकेटर्स बहुत कम है वहाँ पर, मुश्किल से हम लोग 25 या 26 जो है टॉप एजुकेटर्स सिर्फ वही बचे हैं। तो 11 लाख स्टूडेंट्स को हम लोग कैसे कर सकते हैं एक बार? तो वहाँ पर अभी मैं मुझे पढ़ना था UPSC का, पढ़ाना भी UPSC का, लेकिन अभी पढ़ा रहा हूँ रेलवे का। क्लियर? तो यहाँ पर अभी ऐसा कोई स्टूडेंट है कि जिसने 3-4 बार एग्जाम दिया हो और वो अभी नहीं निकला हो? और मजाक मस्ती में नहीं, सीरियस हो। देखो, एक मजाक मस्ती वाला पेपर दे देगा अपनी जगह की, जितने का अंतर एग्जाम देके आ गया और फिर उसके बाद अपने हंस दिया कि जो होगा देखा जाएगा, है ना? तो ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने सीरियस एकदम 3-4 बार दिया हो, या 1 या 2 बार भी दिया हो जिसका नहीं निकला हो? ना क्यों नहीं निकला हमारा? हाँ, कहाँ दिक्कत जा रही थी? जनरल साइंस में। क्या वही चीज सुनना चाह रहा था? देखो, यहाँ पर आपका जो मैथ्स है और रीजनिंग, ये तो हर कोई कर लेता है आज के जमाने में, हर कोई कर लेता है, इसकी एक स्पेशल क्लासेस लगा लेता है। लेकिन दिक्कत कहाँ जाती है यहाँ पर? क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट समझना। जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल स्टडी और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सबसे ज्यादा करंट अफेयर, मिसलेनियस करंट अफेयर या मिसलेनियस टॉपिक। कितने लोग यहाँ पर न्यूज पेपर पढ़ते हैं? सुबह, है ना? चलो, बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग न्यूज पेपर पढ़ते हो। लेकिन मेरे पास अब एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 45 दिन है, तो क्या मैं न्यूज पेपर यहाँ पर अभी पढ़ना स्टार्ट कर दूं? तो मैं क्या करूं जब मेरे पास एक इतनी सी बुक में पूरे साल भर का करंट अफेयर है? तो मैं फिर न्यूज़पेपर 45 दिन के लिए क्यों पढ़ूं? तो सभी लोगों को क्या करना है सर? करंट अफेयर से कंफर्म है आपसे 8 से 10 क्वेश्चन तो पूछे ही जाना है, चाहे वो NTPC और ग्रुप डी में। तो साफ साफ मेंशन किया गया है कि आपका सर जो 20 मार्क्स का जो एग्जाम है वो है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, वहां लिखा है सिलेबस, मेंशन किया गया है करंट अफेयर को। तो ये हम लोग मान सकते हैं कि 12 से 15 क्वेश्चन, जिस प्रकार से अभी RRB JEE का पेपर, उसमें 11 से 12 को किसने दिया था? RRB JEE किसने दिया था? आए थे ना? तो नहीं आए, आए थे ना? तो वही मैं कह रहा हूं, करंट अफेयर से मैक्सिमम क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं एग्जाम। तो हमें करंट अफेयर पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, जनरल अवेयरनेस भी, यहीं पर हमारे मार्क्स क्या हो रहे हैं सर? कम होते जा रहे हैं। एक तो हमने पढ़ा नहीं, और ऊपर से दूसरा कभी कभी हो जाता है, अरे मैंने सिर्फ इतनी क्वेश्चन करे, चलो बेटा तुक्का मार लेता हूँ, वो भी गलत हो गया।
तो ये वाली चीज नहीं करना है हमें, जो आता है हम सिर्फ उतना ही सॉल्व करेंगे, उससे कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं करेंगे। तो करंट अफेयर के लिए आप लोग बिल्कुल बुक ले सकते हैं, स्पीडी की मैंने भी देखा था, 75 रुपीज की है, बहुत अच्छी बुक है करंट अफेयर की, आप लोग वो ले लो, 1 लाइन का उसके आंसर है, बिल्कुल उसको एक बार करके देखो, स्पीडी की है वो, है ना, स्पीडी की बुक है, उसको एक बार देख लो, आराम से हो जाएगा करंट अफेयर। भैया मैन बुकर प्राइज 2019, भारत रत्न, पद्म भूषण, ये सब किसने किसको क्या क्या मिला, ये सारी चीजें हमें ध्यान में देनी पड़ेगी, ये एग्जाम में पूछी जाएगी। इतनी चीज क्लियर हुई ना सभी लोगों को, तो करंट अफेयर पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है, इस पर ध्यान देना है करंट अफेयर पर, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाए। अभी मैं घर पर यहाँ पर आप लोग कितने घंटे पढ़ रहा हूँ, 3 से 4, और घर पे 2-3 घंटे पढ़ रहे हो, अब 45 दिन के लिए वो 2-3 घंटे वाला नहीं काम चलेगा, है ना, यहाँ मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, 3 घंटे घर पर पढ़ो, 7 ही घंटे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 7 ही घंटे हुए हैं, ये बोलो 7 घंटे नहीं हुए, 7 ही बस घंटे हुए हैं हमें यहाँ पर, आप लोगों को 45 दिन का टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा। सुबह ठंड है मैं मान रहा हूँ, आप लोग अगर सुबह अगर 7 बजे भी उठ रहे हो तो भी हमारी 11 बजे तक चीजें हो जाएगी क्लियर, रात के 11 बजे तक। अब आप लोगों को ये दिमाग में बैठा लें कि सर मैं टेस्ट सीरीज यहाँ पर डेली लगाऊं या हफ्ते में सिर्फ एक बार संडे संडे लगा लूं 5-6, आप लोगों के हिसाब से क्या सही रहेगा, डेली टेस्ट सीरीज लगाना या फिर संडे संडे 5-6 डेली टेस्ट सीरीज लगाना, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अभी अगर टेस्ट सीरीज दूंगा तो मेरे 65 नंबर आएंगे, मेरे 35 नंबर यहाँ पर कटे हैं, उसको मैं बहुत अच्छे से सॉल्व करूंगा भले 2 घंटा क्यों ना लग जाए, है ना। तो टेस्ट सीरीज देने का मकसद ही सिर्फ इतना है कि आप अपने आप को एनालिसिस कर पाओ कि अभी मैं कितना पढ़ चुका हूँ, और आजकल तो हर एक टेस्ट सीरीज में बताने भी लगा है कि आप लोग जो एवरेज टाइम दे रहे हो, टाइम सबसे ज्यादा यहाँ पर मैटर क्या करेगा आपका टाइम, कि मैं 90 मिनट में 100 क्वेश्चन कैसे कर लूँ, वो आपकी मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर 6 जो टेस्ट सीरीज है उसमें आप लोग टाइम क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे पूरे, लेकिन 7वीं में आपके 90 मिनट के अंदर अंदर पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये किस पर डिपेंड करेगा आपके टेस्ट सीरीज पर, और एकदम सीरियस देना है, इमेजिन करना कि हम लोग सर एग्जाम में ही बैठे हैं, एग्जाम हॉल में, बढ़िया लैपटॉप वैपटॉप ऑन कर लेना और बैठ जाना, क्योंकि हमारा दिमाग भी फिर उसी तरीके से काम करता है, क्लियर ना। अगर मैं यहाँ अगर मैं डेली अगर रात में टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, डेली रात में अगर मैं टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ तो क्या मेरा एग्जाम रात में होता है, दिन में, तो कोशिश ये करना कि मैं दिन में दूँ, क्यों, क्योंकि हमारा फिर दिमाग उसी तरीके से फिर काम करता है, जो चीज़ मैं अगर डेली कर रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग फिर आपका दिमाग काम करेगा, है ना, जो आपका जो सेरिब्रम जो बड़ा पार्ट होता है आपके ब्रेन का, वो सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है, क्लियर ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखना है कि सर मैं टेस्ट सीरीज जो है वो मैं दिन में दूंगा, अगर मेरे यहाँ 20-30 नंबर आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स आएंगे, और जो जहाँ जहाँ मेरे क्वेश्चन गलत हैं उनको मैं एक कॉपी में लिखूंगा और उसका भी मैं रिविजन करूंगा, रिविजन कैसे क्या करना है कोई मुझे बताएगा, क्या मैं डेली रात में सोने से पहले रिविजन कर लूं या मैं हर संडे संडे करूं, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप अगर हो सके तो सोने से पहले जो हमने यहाँ कोचिंग में पढ़ा है वो, और मैंने जो आज पूरा पढ़ा है वो, और संडे हर दिन संडे संडे 3 से 45 दिन की बात है, घूमने घामने से अच्छा है 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ उस हफ्ते जो जो मैंने पढ़ा है वो सारी चीजों में करूँ, सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे की बस बात है, उस हफ्ते मैंने क्या क्या पढ़ा है, उस 6-7 दिन में मैंने क्या क्या पढ़ा है, उस चीज को मैं 3 घंटे में मेरा कवर हो जाना चाहिए और हर एक क्वेश्चन मेरे सही होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि वहां पर भी हमें चीजें क्या होगी गलत होगी, लेकिन कितने बार होगी, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 बार, चौथी बार आप लोग जो 3 घंटे का जो रिविजन कर रहे हो वो सारी चीजें आपको सही होगी, ये एक्सपीरियंस है। तो अब सिर्फ और सिर्फ 45 दिन है डेडिकेशन के साथ, हम लोग पढ़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा कितना कितना हो गया है जनरल अवेयरनेस में, हिस्ट्री हो गई, अच्छा एक चीज और, 45 दिन बचे हैं, मैं मान सकता हूँ कि किसी का हिस्ट्री छूटा होगा, अच्छा एक चीज और, करंट अफेयर में इकोनॉमिक्स से बना के दे रहा है क्वेश्चन आज, कितने परसेंटेज घट गया, कितना परसेंटेज कम हो गया, आरबीआई ने क्या रेट लगा, ये सारी चीजें। तो करंट अफेयर में हमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस तो सबसे ज्यादा ध्यान में देने हैं, इकोनॉमिक्स के, क्लियर ना। तो वो करंट अफेयर में इकोनॉमिक्स के क्या क्या क्वेश्चंस हैं, ये सारी चीजें। अभी हाल ही में कौन किसकी डेथ हुई है, जो जाने माने लोग हैं, वो सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना है जो कि एग्जाम में पूछा जा रहा है, क्लियर। एक चीज और, हाँ मैं यहाँ पर मान सकता हूँ कि यहाँ आप लोगों का हिस्ट्री नहीं हुआ होगा किसी का, पॉलिटी नहीं हुआ होगा, पॉलिटी
क्वालिटी से याद आया, एग्जाम में जनरल अवेयरनेस में अगर उसे क्वेश्चन देना है तो वो क्वालिटी से भी ज्यादा देगा। और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ आर्टिकल उठा के दे देना है, वो प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ भी दे देगा। अभी आरआरबी जेई में सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रेसिडेंट से पूछा गया, सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आर्टिकल भी पूछा गया है उससे रिलेटेड, जो जो चीजें हुई है वहां पर उस समय वो सारी चीजें क्लियर। तो हमें क्वालिटी में भी ये सारी चीजें ध्यान में देनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट वगैरह। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब मैंने अगर आपको प्रेसिडेंट बोला है तो अब आप इससे चार चीज एक्स्ट्रा पढ़ोगे, क्या वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, सीएम का जो आर्टिकल है, कैग है ना, और अटॉर्नी जनरल। सिर्फ इनडायरेक्टली आप लोगों को बस बता रहा था कि हमें प्रेसिडेंट, अगर मैंने प्रेसिडेंट बोला तो इसके आने वाली पांच चीज आपको पढ़नी होगी। कैग वगैरह ध्यान में रखना, अटॉर्नी जनरल वगैरह ध्यान में रखना, उनके आर्टिकल अभी कौन है, हाल ही में सबसे पहले कौन बने थे, सारी चीजें क्लियर। तो इन चीजों पे हमें ध्यान में देना है। अच्छा एक चीज और, मेरा यहाँ सर हिस्ट्री नहीं हुआ, मैं क्या करूँ, 45 दिन है मेरे पास, पूरी थ्योरी पढ़ने से अच्छा है मैं वहां के वन लाइनर ही करूँ बस, और वो भी कौन से, मेन चीज आपने बुक से पढ़ रहे हो वन लाइनर, अच्छी बात है, सारे पढ़ो जितने भी हैं, पूरी थ्योरी पढ़ने से अच्छा है वन लाइनर पढ़ लो। लेकिन क्यों ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 45 दिन है ना। अब मेरा हिस्ट्री नहीं हुआ, मैं वन लाइनर पढ़ रहा हूँ, उसमें भी मैं सबसे ज्यादा ध्यान दूंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। रेलवे में और एसएससी में जो होता है वो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, तो हमें यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को ध्यान में रखना है। मैथ्स में भी कभी कभी यार ऐसा हो जाता है कभी कभी कि पांच की जगह लास्ट ईयर पांच वैल्यू लिखी थी, हमें यहाँ छह लिख देगा पांच की जगह बस, तो कभी कभी ऐसा देखा गया एग्जाम में, क्लियर ना। तो हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो वन लाइनर है उसको हमें ध्यान में देना। तो ठीक है, हमारा जनरल अवेयरनेस हो जाएगा 45 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, चाहे आपका बायो फिजिक्स केमिस्ट्री। हाँ एक चीज और, अभी जेई में क्या होगा, देखिए बायो स्टार्टिंग की जो 12-15 जो शिफ्ट्स थी उसमें बायो केमिस्ट्री पूछ लिया, फिजिक्स से आई नहीं क्वेश्चन, और आए भी होंगे तो सिर्फ एक आध क्वेश्चन। अब उसकी जो बची वाली जो शिफ्ट्स थी ना वहां पर बचा है, पता है क्या पूछा है, फिजिक्स, और फिजिक्स में थ्योरी नहीं, न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल देना उसने फिर स्टार्ट कर दिया। तो ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि कभी भी अगर आपकी ऐसी कोई शिफ्ट वगैरह फंसे कि मेरा आखिरी में एग्जाम है तो पहले ही वहां पर देख लेना। आजकल तो हर एक चीज बताने लगा है ना, नेट वगैरह में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, बच्चे लोग भेज देते हैं, हम लोगों को भी भेजते हैं। तो यहाँ पर अगर जैसे कि अगर बायो पूछ लिया जा रहा है तो बायो तो हम पढ़ नहीं पढ़ने, लेकिन अब जो बचे वाले जो फिजिक्स और केमिस्ट्री वो, अब किसने सोचा था कि बायो केमिस्ट्री इतने दिन से आ रहा है तो न्यूमेरिकल पटक देगा फिजिक्स से, किसी ने नहीं सोचा होगा, शायद ही कोई फिर ऐसे टाइम में पढ़ के गया हो क्योंकि अब वो घबरा गया वो स्टूडेंट, वो अब सिर्फ और सिर्फ बायो और केमिस्ट्री पर ध्यान दे रहा होगा, सिर्फ जनरल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, फिजिक्स के देने लगा। फिर आखिरी में क्या हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो छोड़ दिया, अब एक और जनरल साइंस का एक टॉपिक है एनवायरमेंटल स्टडी, वहां से क्वेश्चन देने लगा। फिर वो एनवायरमेंटल स्टडी पूरा हमें अर्थ समय प्रोटोकॉल जितनी भी सारी चीजें हैं, क्योटो प्रोटोकॉल जितनी भी सारी चीजें अर्थ समिट वगैरह पहले से हुई थी, ये सारी चीजें हमें एनवायरमेंटल स्टडी में ध्यान में रखना है। तो अभी अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो उस चीज को पढ़ लीजिएगा, क्लियर। अब हमारा मैथ्स में कितना कितना हो चुका है, पहले तो आप लोग सभी पूरा हो गया क्या, अपन सिर्फ रिवीजन बस कर रहे हैं, मॉडल मेट्रोलेक्शन हां एडवांस नहीं हुआ। तो देखिए मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, देखना मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये सिर्फ मैं आपको सजेस्ट बस कर रहा हूँ, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है कि आप लोग ऐसा ही करो, फिर मैं आपको एक चीज बस सजेस्ट कर रहा हूँ। सजेशन क्या है कि सबसे पहले अगर मैं मैथ्स कर रहा हूँ पढ़ रहा हूँ तो मैं सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ूंगा, और नंबर सिस्टम में भी सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि नंबर क्या होता है। अगर मेरे पास ये पेन है, ये अगर मेरे पास एक पेन है तो ये एक क्या है, एक क्वांटिटी है वन, और इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का सिंबल मेरा क्या कहलाता है, नंबर कहलाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे नंबर सिस्टम में नंबर से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर उसकी जो टेक्निक है वो हमारी क्या कहलाती है, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में भी जो एएलपी ग्रुप डी और आरआरबी जेई में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कहाँ से पूछे गए हैं मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज तो ये, पहला आपसे पूछा गया है सर सक्सेसिव डिविजन, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा, दूसरा यूनिट डिजिट नहीं पढ़ा, नंबर सिस्टम हमने पढ़े नहीं, रिमाइंडर थ्योरम यूनिट डिजिट भी पढ़ा होगा, फिर तो रिमाइंडर थ्योरम अगर है नहीं
नहीं पढ़ा तुमने डिटेल? चलो मैं बता दूँ, पढ़े हो ना? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर अगर आपसे पूछ रहा हूँ कि 39 की पावर 27 है, चलो इसका 32 की पावर 27, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा? कोई मुझे बताएगा क्या होगा? बताइए, ये क्वेश्चन आ रहा है कितना? 8 होगा। कैसे कर लिया मैंने सर? ये तो 27 है, इसको मैंने किससे डिवाइड कर दिया? अच्छा मैं 4 से क्यों करता हूँ? क्या रिपीट होता है? चल अच्छी चीज है, बेसिक एक बार थोड़ा सा समझ लो, तो फिर क्या होती है चीजें गलत हो जाती है। देखना क्या है, देखो यहां मैंने लिखा 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2, 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4, 2 की पावर 3। अब आप लोग बताना 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 2 की पावर 6 2 की पावर 7 2 की पावर 8 2 से 4 मतलब इसने क्या हुआ है अब देखना क्या है यहां पर यूनिट डिजिट में बात कर रहा हूं तो देखना यहां पर 2 की पावर 1 क्या है 2 अब मैं कह रहा हूं कि मैं 4 से ही डिवाइड कर रहा हूं हमेशा क्यों क्योंकि देखो हर 4 नंबर बाद यूनिट डिजिट 4 आ गई 1 2 3 4 यूनिट डिजिट 4 2 की पावर 2 4 है हर 4 नंबर बाद यूनिट डिजिट 4 आएगी 1 2 3 4 तो ये आपका क्या कहलाता है सर यूनिवर्सल साइक्लिसिटी कहलाती है क्या कहलाती है यूनिवर्सल साइक्लिसिटी देखो 2 की पावर 3 8 है तो यहां पर हर 4 नंबर बाद 1 2 3 4 8 आ रहा तो ये आपकी क्या कहलाती है यूनिवर्सल साइक्लिसिटी कि यूनिट डिजिट मेरा क्या हो रहा है सर हर 4 नंबर बाद क्या हो रहा है यूनिट डिजिट सेम आ रहा है ये कहलाता है यूनिवर्सल साइक्लिसिटी कब कब 4 4 बार कब कब 4 4 बार इसलिए मैं हमेशा 4 से इसको डिवाइड कर रहा हूं तो मैंने कुछ भी नहीं किया मैंने जो मेरी जो पावर है उसको मैंने डिवाइड कर दिया सर 4 से कितना दिया है 27 4 क्या होगा यहां से रिमाइंडर कितना 32 में यूनिट डिजिट क्या है तो 2 की पावर 3 क्लियर ना तो ये वाले क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना तो सक्सेसिव डिवीजन हमें करना है यूनिट डिजिट करना है रिमाइंडर थ्योरम करना है रिमाइंडर थ्योरम भी आई थिंक आप सभी लोगों को बनता होगा है ना अगर डाउट है तो पूछ लेना मैं अभी बता दूंगा फिर उसके बाद हाँ आपका डिविजिबिलिटी रूल जो है डिविजिबिलिटी रूल्स हमें यहाँ पर पता होने चाहिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो बच्चों ने ऐसा क्वेश्चन है लेकिन पूछता है क्या करें क्योंकि जिसको रूल पता होगा वो कर लेगा जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहां पर कुछ क्वेश्चन दे दिया मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूं तो यहां पर आपने क्या कर दिया 255 बता दिया कैसे यदि मुझे डिविजिबिलिटी रूल अगर मुझे पता है तो फिर मैं कर लूंगा क्या कह रहा है सर डिविजिबिलिटी रूल डिविजिबिलिटी रूल हाँ 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है कि यदि मैं इन तीनों नंबर को अगर मैं ऐड करूं और वो नंबर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा 3 से 5 5 10 11 12 12 होता है ना 3 से तो बस यही उसका आंसर है तो ये हमें डिविजिबिलिटी रूल कहां तक पता होना चाहिए सर हाँ 15 बिल्कुल यही से इससे कोई ज्यादा पूछेगा नहीं 1 से लेकर 15 तक वैसे तो मैंने ज्यादातर 11 तक देखे हैं हाँ तो 11 तक भी अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं क्लियर अब जैसे कि 6 का अगर मैं आपको बता जो भी इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहा हूँ 6 का जो है 3 का और 11 का 6 का क्या है सर 6 का क्या होगा हाँ क्या
ठीक है, ऐसा भी कह सकते हो या फिर आप लोग ऐसा भी कह सकते हो कि अगर अगर इनका फैक्टर अगर दो या फिर तीन में जो भी नंबर दिया हो वो अगर दो और तीन से अगर डिवाइड हो रहा है टू से भी और थ्री से भी तो वो सिक्स से भी होगा, क्यों? क्योंकि थ्री टू का कितना होता है सिक्स। इलेवन का क्या कहना चाह रहा है? इलेवन जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ए बी सी डी ई एफ, ये क्या डिविजिबिलिटी है क्या? इलेवन से कैसे मैं चेक करूंगा? कुछ नहीं मुझे करना, ए का मैं ऐड करूंगा सी से, अल्टरनेटिव नंबर्स है ना, एक छोड़ के सी का मैं ऐड करूंगा ई से, तो यहाँ पर क्या हो गया सर ए प्लस सी प्लस ई माइनस जो बचे वाले बी प्लस डी प्लस एफ, तो बी प्लस डी प्लस एफ। अगर यहाँ पर अगर आपका आखिरी में अगर वन आ रहा है या फिर खुद इलेवन आ रहा है तो फिर वो नंबर क्या हो रहा है सर? ग्यारह से डिवाइड हो रहा है। क्लियर होगी ना इतनी चीजें? तो डिविजिबिलिटी रूल जो है वो हमें ध्यान रखना है। इसके बाद मैं क्या पढ़ूंगा? नंबर सिस्टम के बाद फ्रैक्शन एंड डेसिमल। सभी लोगों ने रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ा, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन जैसे कि क्वेश्चन ऐसा है 0.666666 ऑप्शन ए है आपके पास 5/9, ऑप्शन बी है 2/3, ऑप्शन सी है 2/90 और ऑप्शन डी है हमारे पास 5/99। क्या होगा सर इसका? ये क्वेश्चन आ रहा भी जेई में आया था, सेम ये क्वेश्चन का कोई अंतर नहीं है, ऑप्शन भी यही है 2/3। यहाँ पर क्या है रिकरिंग का मतलब? यहाँ पर क्या है कि अगर मैंने यहाँ आपको लिख दिया कि 0.666666 एंड सो ऑन, तो पॉइंट के बाद यहाँ पर नंबर क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं क्यों इसको बार बार मैं लिखूं? क्यों ना मैं इसको ऐसा लिख दूं 0.6 और उसके ऊपर मैंने लगा दिया बार। ये बार क्या है? रिकरिंग मतलब रिपीट होना। नंबर क्या हो रहा है मेरा? पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है, तो कुछ नहीं करना। सपोज अगर मेरा यहाँ ऐसा लिखा है 0.PQRQRQRQR एंड सो ऑन, है ना, तो मैं क्या करूंगा? क्यों मैं इसको बार बार लिखूं? 0.PQR लिख देता हूं, नंबर क्या लिख देता हूं QR, QR के ऊपर मैंने बार लगा दिया। अब अगर मैं इसको बेसिक बताऊंगा तो टाइम हो जाएगा, डायरेक्ट समझ लो इसको, लिखना हो तो लिख लो कि कभी भी अगर इस टाइप का अगर मेरा क्वेश्चन आ गया तो न्यूमरेटर में पॉइंट के पहले या पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यू लिखी है उसके पहले लिख लो। क्या लिखा सर? PQR माइनस, न्यूमरेटर में ही माइनस में पॉइंट के पहले या पॉइंट के बाद जितने नंबरों पे बार नहीं लगा उसको लिख लो। किस पे नहीं लगा? जीरो है, उसको लिखने की जरूरत नहीं। डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में सारी चीजें पीयू के सॉरी डेसिमल के बाद वाली देखूंगा, जितने नंबरों पे बार लगा उतने, जितने नंबरों पे बार लगा उतने बार में नाइन लिखूंगा। अगर मैं बेसिक बताऊं तो टाइम हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट समझ लो। और पॉइंट के बाद जितने नंबरों पे बार नहीं लगा उतने में जीरो लिखूंगा। कितने पे नहीं लगा? एक पे, तो एक बार जीरो, बस ये हमारा आंसर है। अब ये वाले क्वेश्चन का क्या होगा? पॉइंट न्यूमरेटर में पॉइंट के पहले या पॉइंट के बाद जितने नंबर, जितने भी नंबर दिए उसको लिख लो सिक्स दिया माइनस, पॉइंट के पहले या पॉइंट के बाद जितने भी नंबरों पे बार नहीं लगा उतने लिख लो, सिर्फ जीरो पे नहीं लगा जीरो पे लिख लिया डिवाइडेड बाय। डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद वाली सारी चीजें देखते हैं क्या, कि पॉइंट के बाद कितने नंबरों पे बार लगा? एक पे, तो उतने बार में क्या लिखूंगा? नाइन। अच्छा, अब पॉइंट के बाद ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं लगा तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से मेरा कितना आएगा सर? 6/9 मतलब 2/2/3। तो यही क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया था आरआरबी जेई में, तो आगे भी आने के चांसेस हैं। तो ये तो हो गया सर हमारा फ्रैक्शन एंड डेसिमल में रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। बाकी जितने भी आपके फ्रैक्शन के रूल है सबसे पहले हमें वो जानना है और फिर हम लोग फ्रैक्शन एंड डेसिमल को खत्म करेंगे। फ्रैक्शन एंड डेसिमल के बाद सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान देना है। सिंप्लीफिकेशन में हमें ध्यान देना है सर वी फॉर्मूला रूल, है ना। तो आपका जो वी है, वी में जो बोल रहा हूँ वो क्या है? वी, हाँ सही कहा, जो आपका जो वेंडाकुलम है वो होता है। ये वेंडाकुलम क्या है? किसी भी नंबर के ऊपर बार लगा हुआ। तो सबसे पहले हम लोग वी को प्रायोरिटी देंगे। सबसे पहले वी कहता है भैया अगर यहाँ पर अगर ऐसा लिखा है ना 5-6 और यहाँ पर फिर डिवाइड भी हो इंटू भी हो उससे मतलब नहीं। सबसे पहले हमें वेंडाकुलम को ही मतलब इस बार को ही सॉल्व करना है, फिर उसके बाद B, मतलब ब्रैकेट को, फिर ऑफ, ऑफ क्या है आपका इनटू ही है लेकिन ऑफ लिखा जाता है,
फिर उसके बाद डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और फिर सबट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कहने का मतलब ये था, मैं कहता तो क्वाड मार्क्स कह देता, लेकिन अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पर आपका वर्नाकुलम भी लगाया जा रहा है, तो कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ कि सर मैं सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेता हूँ फिर ऑफ और फिर डिवीजन, ये देखा जाएगा, ये सबसे पहले माइनस कर दूंगा माइनस वन, नहीं सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इस बार को, इस वर्नाकुलम को। तो सबसे पहले हमें वी बॉड मास रूल हमें पता होना चाहिए कि कैसे क्या होता है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ये मान लो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और कुछ कुछ आइडेंटिटी से सॉल्व होता है। अच्छा, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, साइड्स एंड इंडाइसेस। सभी लोगों ने साइड्स एंड इंडाइसेस पढ़ा है ना, आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ टोटल 10 आइडेंटिटी है बस, इसके अलावा और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहली जैसे कि आप सभी लोगों ने पढ़ा ना, एक ही पावर एन टू एक पावर एन इक्वल्स टू एक पावर एन प्लस एन है ना, तो इसी पर बेस्ड जो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, नहीं बनेगा तो अच्छी बात है, बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो और भी अच्छी बात है, गलत होगा तो इस चीज को ज्यादा ध्यान दो। 3 की पावर 0 माइनस 3 की पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 0 माइनस 3 की पावर 2 करके बताओ इसका आंसर क्या है। 3 की पावर 0 माइनस 3 की पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 0 माइनस 3 की पावर 2। तो देखिएगा 3 की पावर 0 मेरी एक आइडेंटिटी है, 10 में से एक मुझे कहता है कि सर कभी भी अगर 1 की पावर 0 हो ना, 1 की पावर 0 हमेशा 1 होता है, अगर मैंने यहाँ लिख दिया 5 की पावर 0 3 की पावर 0 तो यहाँ मैंने लिख दिया सर 3 की पावर 0 1 माइनस, एक आइडेंटिटी मुझे कहता है कि सर अगर मेरा a की पावर माइनस n है तो मैं उसको 1 अपॉन a की पावर n लिख सकता हूँ। तो सेम यहाँ पर भी 3 की पावर